शिवसेना के मंत्री और बीएमसी अधिकारी घासवाला बिल्डर को बचा रहे हैं, संजय भेड़िया। आज से 5 से 6 महीने पहले वहाँ के कुछ लोकल लोग और वहाँ के स्थानीय लोग मेरे पास में आए थे। उनमें उनका नाम है इरफान खत्री और इलियास खत्री, जो खुद पेशे से बिल्डर हैं, और उनके अगल बगल के लोग मेरे पास में आए थे और उन्होंने मुझसे एक दरख्वास्त की थी कि घासवाला बिल्डर एक 23 माले की बिल्डिंग बनाए हैं पर उनके पास में पूरे कागजात नहीं हैं और वहाँ के रहवासियों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है और बहुत पतली गली में से आना जाना पड़ता है, और ऐसे बहुत सी बातें उन्होंने की। तो मैंने उन्हें कहा कि आप लोकल कॉरपोरेटर से बात करें, तो उन्होंने कहा कि हमारा लोकल कॉरपोरेटर शिवसेना का है और शिवसेना का एक मंत्री घासवाला बिल्डर का अनऑफिशियली पार्टनर है और वो सबको परमिशन दिलाता है, सारे बीएमसी को मैनेज करता है, ऐसा उनका कहना था। तो उन्होंने मेरे को एक तकरार वगैरह दी और उसकी तकरार के ऊपर मैंने बीएमसी को 5 से 6 महीने पहले सारी कंप्लेंट की, जिसका फाइल क्रमांक 9608 CTS 338.3318/1/2339556HM Jhaveri इनके नाम की एक फ़ाइल है और मैंने कमिश्नर साहब को दी, मैंने डीएमसी जो किरण आचरेकर को जी को दी और वार्ड ऑफिसर को दी। मैं पिछले 5 महीने से बीएमसी कमिश्नर साहब से मिलना चाहता हूँ, तो बीएमसी कमिश्नर की पीएम मुझे हमेशा टरका देते हैं। वो कहते हैं कि आप कुंदन मैडम से मिलो, तो मैं कुंदन मैडम से मैंने कोशिश की तो कुंदन मैडम ने कहा मैं तो सिर्फ ईमेल पे ही अपॉइंटमेंट देती हूँ, तो मैंने मेल किया, उनका कोई अपॉइंटमेंट मुझे मिला नहीं। उनके दफ्तर से मुझे ये कहा गया कि आप किरण आचरेकर से मिलो, तो मैं किरण आचरेकर जी डीएमसी से मिला, तो उन्होंने मेरा बहुत कॉपरेट किया और उन्होंने मुझे एक ऐसा पेपर दिया कि उन्होंने यह स्पष्ट तरीके से कहा कि यह एकदम इनलीगल है और कोई भी बिल्डिंग बनने के समय 8 मीटर की जगह होनी चाहिए, कम से कम फायर ब्रिगेड उसमें जा सके अगर कोई आग हो जाए, कोई कैजुअल्टी हो जाए। तो उन्होंने जो मुझे बीएमसी का सर्टिफाइड कॉपी दी है उसमें 8 मीटर की कोई भी जगह उस गली के अंदर है नहीं, वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा नहीं सकती है, कल के कोई कैजुअल्टी हो जाए तो वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं, हज़ारों के तादाद में लोग मर सकते हैं। तो मैंने इस आधार के ऊपर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। तो कौन रोके हुए इसको, इनको रोकने का प्रयास तो घास वाला बिल्डर और शिवसेना के एक मंत्री जो इनके साथ में है और बीएमसी अधिकारी, मैंने उनसे कहा कि बीएमसी अधिकारी इन्होंने परमिशन दी कैसे, उसके ऊपर आप तकरार करें। मैं पिछले 5 महीने से कमिश्नर साहब से समय मांग रहा हूँ, मैंने आज भी उनको फ़ोन किया पर वही टालम टोल उनके पीए द्वारा, ये करेंगे हम वो करेंगे, हमने कह दिया है। मैं ये नहीं कहता कि बीएमसी कमिश्नर अजय मेहता साहब करप्ट हैं, पर वो करप्ट लोगों को बचा रहे हैं, करप्ट अधिकारियों को बचा रहे हैं, ऐसे बिल्डरों का साथ दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं दे रहे तो इनडायरेक्ट दे रहे हैं, गुनाह तो वह भी बनता है। तो मेरी आपके इस मंच के माध्यम से दरख्वास्त है कि तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। खासदारों को ही अपॉइंटमेंट देंगे, वो आमदारों को ही देंगे और किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। वो इरफान खत्री और इलियास खत्री वगैरह सब मेरे पास आए थे अपनी तकलीफ़ लेके और मैंने अपने सारी शिकायतें दर्ज कराई है। आज मैंने बीएमसी ऑफिस के अंदर एक फ़ोन किया था कमिश्नर ऑफिस के अंदर और मैंने उनसे अपॉइंटमेंट मांगा, तो उनके पीए का फिर एक टालम टोल जवाब जो मैं आपको इस मेरे मोबाइल के माध्यम से सुनाना चाहता हूं, आप सुने इसे। हेलो नमस्कार। हेलो, हाँ जी, कौन बोलता है? नमस्कार। नमस्ते, तो ये बोलते हैं कौन? परब साहब ना? परब साहब, संजय भेड़िया बोलते है। हाँ बोला ना साहब। साहब 5 महीना झाला मी फॉलो करतो है, साहब हमारा वेळ देत नहीं, कमिश्नर साहब फक्त खासदार आमदारालाच वेळ देणार का, आम्हाला देणार नाही का वेळ साहेब? संजय भेड़िया, 5 महीना झाला साहेब तुम्हाला फॉलो करताना, मला
ये कितनी टालन टोल कर रहे हैं आप, ये देखिए। यह बीएमसी कमिश्नर की ऑफिस का हाल है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी बीएमसी मानी जाती है। अजय मेहता साहब की ऑफिस का ये हाल है। उन्हें किसी के भी फोन की पड़ी नहीं है। आखिरकार बात नहीं हो भैया की कमिश्नर साहब। देखिए परब साहब अभी क्या जवाब देते हैं, जो पांच महीने से मुझे जवाब दे रहे हैं, आप खुद सुनिए। ये किसी को फ्रस्ट्रेशन करने का एक तरीका है। साहेब किती वेळ तुम्हाला बोललो आणि तुम्ही मला रमेश पवार साहेब पुढे पाठवलेलं, रमेश पवार साहेबाला मी फॉलो करतोय, ते मला रिस्पॉन्स देत नाही, तुम्ही मला कुंदन मॅडम कडे पाठवलं, कुंदन मॅडम मला आम्हाला रिस्पॉन्स देत नाही, किरण आचरेकर साहेब कडे तुम्ही मला पाठवलं, मी किरण आचरेकर साहेबांना भेटून आलो, त्यांनी मला एक पत्र देऊन टाकलं, नंतर काय माझं समाधानपूर्वक काय काम नाही, इन लिगल कन्स्ट्रक्शनचा सब्जेक्ट आहे, माझा काही पर्सनली इंटरेस्ट नाही त्यामध्ये, तो विषय मध्ये तो करायलाच पाहिजे साहेब, फक्त काय खासदार आमदारच साहेब कमिश्नर साहेब ऐकणार का, आमची ऐकणार नाही का साहेब, विषय सांगा तुमचा। नॉर्थ वेस्ट के वॉरचा सब्जेक्ट आहे, घासवाला बिल्डर, घासवाला बिल्डरनी इनलिगल बिल्डिंग बनवली आहे, तिथे जागा नाही फायर ब्रिगेडला जायची, फायर ब्रिगेड अंधेरीमध्ये ना, अंधेरी के वेस्ट, ओके ओके, किरण आचरेकर साहेबांशी बोलणं झालेलं आहे, त्यांना सर्व विषयाची माहिती आहे, पण आज 6 महिने 5 महिने झालं साहेब तुम्हाला फॉलो करताना, आता पुढे काय आदेश आहे आपलं, पुढे आदेश काय माझ्यासाठी, आता पुन्हा साहेबांना पुटअप करतो, कधी करायचं कन्स्ट्रक्शन बाय घासवाला बिल्डर, यस किरण आचरेकर नो एव्हरीथिंग, ओके सर मी मेसेज ठेवलाय, मी येतो उद्या फोन करू तुम्हाला परत, हा करा, थँक्यू थँक्यू परत साहेब। ये मुंबई कमिश्नर की ऑफिस का हाल है, इन्हें घासवाला बिल्डर को बचाया जा रहा है बीएमसी के अधिकारी द्वारा और शिवसेना के एक मंत्री के द्वारा। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जन आंदोलन करेंगे। मुझे इरफान खत्री और इलियास खत्री, हम तीनों को इसका मिलने का समय दिया जाए बीएमसी कमिश्नर द्वारा, और तुरंत सारी परमिशन इनकी रद्द की जाए। ये फिल से एक कमला मिल जैसा हादसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं घास वाला, इसे तुरंत रोका जाए, ऐसे मेरी निवेदन है आप। रेस 9 न्यूज़ मुंबई।